हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आरओ आरएम, बीएसएफ की और भी बहुत सारी भर्तियां इस दौरान हुई हैं, जिसमें पैरा मेडिकल स्टाफ है, वेटनरी स्टाफ है और लाइब्रेरियन, इंजीनियरिंग ब्रांच, ऐसे बहुत सारी भर्तियाँ अभी फाइनल रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं उनके। अब इंतजार हो रहा है ज्वाइनिंग का। तो देखिए, ज्वाइनिंग के संबंध में एक जो इंटरनल मैसेज जो है वो चल रहा है, वो आप बता दें कि 12th ट्रेंच ऑफ रोजगार मेला इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 29 जनवरी 2024 एंड सीआरपीएफ इज डिटेल्ड एज अ नोडल फोर्स फॉर दिस इवेंट। ये बाकी चीजें हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की सिर्फ एक ही चीज है कि 29 जनवरी 2024 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला है, 12वां रोजगार मेला है, मिशन रिक्रूटमेंट रोजगार मेला 12th ट्रेंच। मिशन मोड पे काम हो रहा है रिक्रूटमेंट का, तो आप लोग तैयार हो जाइए। जो हमारे कैंडिडेट्स बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट्स हैं, चाहे बीएसएफ कम्युनिकेशन जिसमें हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक है, और बीएसएफ वेटनरी, बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितना भी है, इसके अलावा दूसरी फोर्सेस के जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, सीआईएसएफ तो हाथों हाथ ज्वाइनिंग दे रही है, बाय हैंड ही दिया जा रहा है जो मेडिकल फिट है उनको। तो इस दौरान जो भी फोर्सेस के रिक्रूटमेंट हैं वो 29 जनवरी के लिए आप तैयार हो जाइए। ये बिल्कुल जेन्यून मैसेज आपको दिखा रहे हैं, हालांकि इंटरनल मैसेज है, कोई आप की तरह ही कोई अंदर से इसको वायरल कर देता है। इस तरह के मैसेजेज वायरल नहीं करने चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 29 जनवरी 2024 को रोजगार मेला है। क्या कुछ कैंडिडेट्स ने हमें ये शेयर करके पूछा था कि ये क्या है, तो ये 29 जनवरी 2024 को रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है और आप लोग तैयार हो जाइए। अब काम कौन कौन से करने हैं, बीएसएफ ट्रेड्समैन चाहे हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, या बीएसएफ में कोई दूसरी पोस्ट पर आप भर्ती हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट आप खुलवा लीजिए, पैन कार्ड बनवा लीजिए और अपने जाने की तैयारी करें। जिनका मूड है कि मैं दूसरी तैयारी करना चाह रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ मेरा रुझान है, यूपी पुलिस है, ये है वो है, क्या मैं इसको छोड़ दूँ तो ये दूसरे को मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, वेटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब आप एक बार मेडिकल में उपस्थित हो गए, उसके बाद वो पोस्ट आपकी हो गई यदि आपका स्कोर अच्छा है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जो ज्वाइनिंग के संबंध में आपका बड़ा डाउट था, उसके लिए कुछ कैंडिडेट्स ने कॉल भी किए थे हेडक्वार्टर में, उनको भी यही बताया गया कि आपको रोजगार मेले में ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो रोजगार मेले का डेट आ चुका है, जय हिंद।